हम तमाम लोग कहानियां लिख रहे हैं और ये कहानियां हमारी जिंदगी की हैं। Some of you have said अभी तक कुछ कमाल नहीं किया, मैं चाहती हूँ कि आज के बाद आप ये जुमला ना बोलें। I take this very seriously, बड़ी जज्बाती हो जाती हूँ मैं इसके बारे में, क्योंकि आधी जिंदगियां हम गुजार चुके हैं। पाकिस्तान में लाइफ स्पैन ऑन एवरेज लॉन्जिविटी का जो नंबर दिया जाता है वो 60-65 दिया जाता है, हम ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 30 पे तो आ गए। अगर आधी में कोई कमाल नहीं किया कोई बात नहीं, आज से ऑनवर्ड आपका हर दिन बाकमाल होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी खाटी भी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी आप। ये जिंदगियां हम अपने लिए जी रहे हैं, हम इदारे के लिए नहीं जी रहे। राइट, यू कैन बी पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन बट इफ योर पर्सनल लाइफ इज नॉट अपलिफ्टेड वो इदारा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर जाती जिंदगी बेहतर होगी तो इदारे के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू बिकम बेटर। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ से लेके आगे के ढाई दिन और आगे का जिंदगी का सफर, अपने आप से ये सवाल करें जब भी क्रॉस रोड पर आए ना कि ये लूँ या ना लूँ, ये अपॉर्चुनिटी हासिल करूँ या ना करूँ, इस फटे में पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, ये लड़ाई लड़ूँ या ना लड़ूँ, लोगों के साथ इस तरह अंदाज में बात करूँ या ना करूँ, उन्हें जलील करूँ या ना करूँ, उनको अपलिफ्ट करूँ या ना करूँ। आस्क योरसेल्फ, क्या ये चैप्टर मजेदार होगा मेरी कहानी में? Is this chapter going to be nice to read? कोई और अगर मेरी जिंदगी की कहानी पढ़ रहा है तो उसको ये चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा, और अगर लगता है कि मजा आएगा तो जिए उस एक्सपीरियंस को, लिखे वो कहानी। लेकिन अगर लगता है यार कि इससे तो बेस्ट सेलर नहीं बनने वाली, ये तो बड़ी एवरेज सी बात है, इसमें तो किताब उठेगी भी नहीं, तो छोड़ दो, इट्स नॉट वर्थ इट।